ओम नमः शिवाय। आज मैं बात करने वाली हूँ बुध ग्रह के बारे में। बुध ग्रह क्या है, बुध ग्रह हमारी कुंडली में क्या रोल निभाता है। बुध ग्रह का मतलब है बुद्धि। बुध ग्रह का मतलब है हमारी बुद्धि कैसे है। बुध ग्रह आपकी कुंडली में जैसे होगा हमारी बुद्धि वैसे ही होगी। कहते हैं कि सारे ग्रह एक तरफ, बुध ग्रह एक तरफ। मान लो किसी की होरोस्कोप में सारे ग्रह खराब हो जाए, सिर्फ बुध ग्रह अच्छा हो, तो वो इंसान किसी ना किसी तरीके से बुध ग्रह से, यानी कि अपनी बुद्धि से निकल ही जाएगा। यानी कि बुध ग्रह का अच्छा होना बहुत जरूरी है। कई बार ऐसे कहते नहीं है, इसकी तो बुद्धि खराब हो गई है। बुद्धि खराब नहीं होती, उसका बुध ग्रह खराब होता है। बुध ग्रह क्या है, बुध ग्रह हमारा व्यापार है। अगर आपकी होरोस्कोप में बुध ग्रह जितना ज़्यादा अच्छा होगा, आपका बिजनेस उतना ज़्यादा अच्छा चलेगा। बुध ग्रह के अच्छा होने से आपकी वाणी उतनी ही ज़्यादा अच्छी होगी जितना अच्छा आपका बुध ग्रह होगा। अगर किसी को वाणी से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, यानी कि वो ढंग से बोल नहीं पाता, या कुछ भी प्रॉब्लम है, वाणी से जुड़ी कोई भी समस्या है, तो इसका सीधा सीधा आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसका बुध ग्रह खराब होगा। अगर बुध ग्रह अच्छा है तो हमारी स्किन अच्छी होगी। बुध ग्रह अच्छा है तो हमें अच्छी एजुकेशन मिलेगी। बुध ग्रह अच्छा है तो जो हमारी डिसीजन मेकिंग पावर है वो अच्छी होगी, यानी कि हम सही टाइम पे सही निर्णय ले पाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि हमारे डिसीजन बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं, हमारे में क्षमता ही नहीं होती, हम ढंग से सोच ही नहीं पाते कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। इसका सीधा सीधा जो रिश्ता है वो बुध ग्रह से जुड़ा हुआ है। अगर बुध ग्रह जितना अच्छा होगा, आपकी डिसीजन पावर उतनी ही ज़्यादा अच्छी होगी। बुध ग्रह अच्छा है तो आपकी मेमोरी शार्प होगी। तो बुध ग्रह को अच्छा कैसे किया जाए, आज हम मैं बात करने वाली हूँ बुध ग्रह को अच्छा करने के बहुत अच्छे अच्छे आसान आसान उपायों के बारे में। बुध ग्रह के जो देवता हैं वो गणपति गणेश जी हैं। बुध ग्रह को अच्छा करने का सबसे पहला उपाय तो यही है कि आप रोज गणेश जी की पूजा करो। अगर आप गणेश जी की पूजा करते हैं तो आपका बुध ग्रह बहुत अच्छा हो जाएगा। चाहे वो कितना भी खराब क्यों ना हो, आपको अच्छे रिजल्ट ही दिखाएगा। और गणेश जी की पूजा करने से तो वैसे ही वारे न्यारे तो हो ही जाएंगे। अब बात करते हैं दूसरे उपाय के बारे में। बुध ग्रह को अच्छा करने के लिए आप हर बुधवार को शिवलिंग पे मूंग चढ़ाओ। बुध ग्रह को अच्छा करने के लिए आप हर बुधवार को दुर्गा चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। बुध ग्रह को अच्छा करने के लिए आप जैसे छोटी छोटी जो कन्याएं होती हैं उनको थोड़ी सी शिक्षण सामग्री, यानी कि जो पढ़ाई से रिलेटेड सामग्री आप उनको गिफ्ट करो। इससे भी बुध ग्रह काफ़ी अच्छा हो जाएगा। बुध ग्रह को अच्छा करने के लिए आप घर में पौधे लगाएं और उनकी आप उनको आप हरा भरा रखो। ये अगर आपके घर में पौधे लगे हुए और वो सूख जाते हैं, इसका मतलब आपको बुध ग्रह अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा। बुध ग्रह को अच्छा करने के लिए घर में पौधे लगाइए और उनको हरा भरा रखिए। लेकिन ध्यान रखिए, घर में आपने कभी भी कांटेदार पौधे नहीं लगाने। कांटेदार पौधे लगाने से बुध ग्रह तो अच्छा नहीं होगा, बल्कि आपके घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे। बुध ग्रह को अच्छा करने के लिए आप घर में तुलसी लगाइए। तुलसी जितना ज़्यादा फलेगी फूलेगी, आपका बुध ग्रह उतना ही अच्छा होगा। तुलसी लगाइए, लेकिन तुलसी पे आपने रविवार को छोड़कर आपने रोज़ उस पे जल देना ही है, और उस पे सुबह जल देना है, शाम को आपने दिया जलाना है। फिर देखिए बुध ग्रह कैसे आपको अच्छे रिजल्ट दिखाता है। बुध ग्रह को अगर आप अच्छा करना चाहते हैं तो अपनी बहन बुआ और बेटी से अच्छे रिश्ते रखिए। बहन और बेटी से हम रिश्ते अच्छे रख लेते हैं, लेकिन आजकल जो बुआ की रिस्पेक्ट काफ़ी कम हो गई है। आप अपनी बुआ जी को बुलाइए, उनको आप समान सम्मान दीजिए, उनको गिफ्ट देकर खुश कीजिए, फिर देखिए बुध ग्रह कैसे अच्छा होता है। आप अपनी बहन की रिस्पेक्ट तो करते हैं, ठीक है, बेटी की रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, आप औरों की बहन बेटी का भी ध्यान रखिए। इससे भी आपका बुध ग्रह अच्छा होगा। बुध ग्रह का अच्छा करने का एक और अच्छा उपाय ये है कि आप हर बुधवार को अगर आपको मौका मिले, जो किन्नर होते हैं उनको कुछ ऐसे हरी चूड़ियाँ हरे कपड़े दीजिए। इससे बुध ग्रह काफ़ी अच्छा हो जाएगा। बुध ग्रह को अच्छा करने के लिए आप पन्ना भी पहन सकते हैं, लेकिन आपको पन्ना कभी भी ऐसे नहीं पहनना। आपको किसी की एस्ट्रोलॉजर की या पंडित जी की, किसी को अपनी होरोस्कोप दिखाकर उनकी सलाह से ही पहनना है कि पन्ना आपको सूट करता भी है
या नहीं। बुध ग्रह को अच्छा करने के लिए आप गणेश जी को दूर्वा चढ़ाइए। दूर्वा यानी कि घास। आप ना जैसे गणेश जी के मंदिर में जाकर उनको 11 घास 11 दूर्वा लेकर उनको आपने मौली से बांधकर उनके गले में हार बनाकर उनको चढ़ा के आना है गणेश जी को। फिर देखिए बुध ग्रह कितना ज़्यादा अच्छा हो जाता है। जो गणेश जी हैं वो दूर्वा चढ़ाने से बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। बुध ग्रह को अच्छा करने के लिए आप बुधवार को हर बुधवार को आप गणेश जी को मोदक का भोग लगाइए। गणेश जी को मोदक बहुत पसंद है। अगर आप 11 बुधवार तक गणेश जी को मोदक का भोग लगाते हैं, आप मोदक लड्डू कितने भी ले सकते हैं, 2 लीजिए 4 लीजिए, वो तो आपकी कैपेसिटी पे डिपेंड है कितना आप लेना चाहते हैं। आप उनको मोदक का भोग लगाइए और फिर देखिए बुध ग्रह कितना अच्छा होता है। बुध ग्रह को अच्छा करने के लिए आप बुध के बीज मंत्र ओम बुम बुधाय का भी जाप कर सकते हैं। इस बीज मंत्र का जाप आपने शुक्ल पक्ष के बुधवार से शुरू करना है और इसका जाप आपने रोज एक माला यानी कि रोज 108 बार करना है। जो बीज मंत्रों का रिजल्ट है वो 45 डेज में मिलना शुरू हो जाता है, लेकिन आपको 45 डेज के बाद छोड़ना नहीं है, लगातार आपको बीज मंत्र का जाप करता रहना है। इससे बुध ग्रह काफ़ी अच्छा हो जाएगा और आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट दिखाना शुरू कर देगा। आप बुध ग्रह के इन सिंपल उपायों को कीजिए और अपने बुध ग्रह को अच्छा कीजिए और अपने बिजनेस को, अपनी स्किन को, अपने हेयर को, अपनी बुद्धि को, अपनी डिसीजन पावर को अच्छा कीजिए। ओम नमः शिवाय। अगर आपको ये मेरे छोटे छोटे उपाय अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको मेरी वीडियोस सबसे पहले मिलें। ओम नमः शिवाय।